वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 22 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या है, इससे हम किस किस तरीके की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में दुनिया की वो कौन कौन सी बड़ी टेक जायंट्स हैं जो सिंपली आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको इनिशियली डिज़ाइन किया था एक डच प्रोग्रामर गाइडो वैन रसम ने, जो कि किया था 1991 के अंदर, और इसको डेवलप किया था पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। तो साथ ही में हम नोट्स भी यहां पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन वाज इनिशियली डिजाइंड बाय गाइडो वैन रसम ने इनको इसको डिजाइन किया था इन 1991 एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये है कि पाइथन को हमें क्यों सीखना चाहिए, इसके क्या एडवांटेज हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। देखिए, आपको शायद मालूम होगा क्लास 11 ट्वेल्थ में अभी तक हम C++ पढ़ते थे, लेकिन अब हमको पाइथन पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, यही इसका सबसे पहला एडवांटेज है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, इसको बड़ी ही आसानी के साथ सीखा जा सकता है। यानी कि इसका जो पहला एडवांटेज है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू लर्न। अब मैंने यहाँ पे क्यों बोला सिंपल एंड ईजी टू लर्न, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप एक सिंपल प्रॉब्लम को देखें, मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको अपनी स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर के ऊपर हेलो प्रिंट करना है, तो अगर ये काम अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करता हूँ तो केवल मेरे को एक स्टेटमेंट चाहिए प्रिंट हेलो, इतने से ही मेरा काम हो जाता है। लेकिन यही काम अगर मुझे सी या सी प्लस प्लस में करना होगा तो मेरे को प्रिंटिंग स्टेटमेंट तो आएगा, लेकिन साथ में मुझे हेडर फाइल्स भी वहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती हैं। यानी कि यहाँ पे जो काम एक लाइन में हो रहा है वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन पे होता है। वैसे ही अगर मैं जावा प्रोग्रामिंग में यहाँ पे काम करूंगा तो जावा में जहाँ पे अगर मुझे केवल एक हेलो प्रिंट करना है तो वहाँ पे मिनिमम मुझे 3 से 4 लाइन वहाँ पे लिखनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम होती हैं, यानी कि जो काम आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स में करते हैं वो आप पाइथन में काफ़ी कम लाइन में आप कर सकते हैं। और दूसरा, ये सीखने के लिए भी काफ़ी आसान है, ये बिगनर्स के लिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिगनर्स लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस आपका नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है। और इसका एक रीजन ये भी है, जो इसका दूसरा एडवांटेज है, कि आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, हमने इंटरप्रेटर पढ़ा था और हमको पता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आपका लाइन बाय लाइन यहाँ पे कोड को रन करता है, यानी कि जब तक आपका एक स्टेटमेंट या एक लाइन सही नहीं होती वो अगले लाइन पे जंप नहीं करता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यहाँ पे बिगिनर्स के लिए काफ़ी आसान है, यानी कि आपको पूरा एक ही बार में कंपाइल नहीं करना, आपको हर जगह एरर नहीं ढूंढनी। आप अगर एक लाइन में कोई गलती करते हैं तो इमीडिएटली आपको उसका जो एरर है वो दिखता है और आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइन बाय लाइन आपका काम करता है। और इसके क्या एडवांटेज हैं, इसका एडवांटेज है कि आपका फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब क्या है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, ओपन सोर्स है, आप पाइथन के जो सोर्स कोड है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके इसमें कोडिंग आप सीख सकते हैं और इसका आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री है, ओपन सोर्स है ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा एक और जो इसका एडवांटेज है वो है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी प्रोसीजरल भी होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है। अब इनमें अंतर क्या है, जैसे आपकी सी लैंग्वेज प्रोसीजरल है लेकिन सी प्लस प्लस है, जावा है या आपकी पाइथन है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये कुछ फीचर्स होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में और अगर आप वही कोड लिखते हैं आप सी प्लस प्लस में या पाइथन के अंदर, तो सी वाला कोड आप दोबारा यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। बार बार रीयूज़ कोड हो सकता है, सिक्योरिटी इसमें बढ़ती है, डेटा हेडिंग है, एब्स्ट्रैक्शन है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जब हम पाइथन के देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी ये सपोर्ट करती है। इसके अलावा पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट
है या सिंपली क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब इसका कोड अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पे चलाते हैं तो वहाँ पे भी बड़ी आसानी से चलता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, अगर आप इसको रन करते हैं मैकिंटॉश पे, मैक के अंदर, या लिनक्स पे, या विंडोज़ पे, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे बड़ी स्मूथली चलती है। ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके अलावा ये लैंग्वेज जो आपकी है ये आपका एक्सपेंडेबल है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं सी के साथ, सी प्लस प्लस के साथ, तो वो भी आपकी बड़ी आसानी से कनेक्ट होती है। बड़ी ही आसानी से हम इसको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसकी लाइब्रेरीज काफ़ी बड़ी हैं, ह्यूज लाइब्रेरीज। ह्यूज लाइब्रेरी से यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी बड़ी होगी तो सिंपल क्या होगा, जो प्रोग्रामर है उसको खुद कोड नहीं लिखना पड़ेगा, वो सिंपली लाइब्रेरी से उस कोड को इंपोर्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है, आपकी कोई भी लैंग्वेज होती है, अगर जनरल लैंग्वेज बात करें, स्पीकिंग लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, वो लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी मानी जाती है जिसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स अगर ज़्यादा हैं तो हम अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, लाइब्रेरी जिसकी बड़ी है तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कोड हमने लिखना पड़ेगा कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम उन लाइब्रेरीज को सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसके एडवांटेज हैं, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए, क्या इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस पे, डिसएडवांटेजेस पे अगर हम इसकी बात करें तो डिसएडवांटेज यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तभी आपके नई लैंग्वेजेस इवॉल्व होकर के आती हैं, तभी नए नए वर्जन्स जो लैंग्वेज के हैं वो निकल करके आते हैं। तो डिसएडवांटेज इसके क्या है, पहला जो इसका डिसएडवांटेज है कि मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लेती है, मेमोरी इज Required more। अब ज़्यादा मेमोरी क्यों लेती है, इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो डेटा टाइप होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, उसी डेटा टाइप में अगर हम उसको असाइन करते हैं इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर ले लेगा, उसी को अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट दे देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, तो ये हर किसी को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हर किसी को अडॉप्ट कर लेता है, हर किसी को हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही काम आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में अगर आप करेंगे, सी में अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आपने इंटीजर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इंटीजर ही होगा, फ्लोट कर दिया फ्लोट ही है, स्ट्रिंग आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया स्ट्रिंग ही होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसकी वजह से मेमोरी कंजम्पशन इसका ज्यादा होता है। इसके अलावा ये मोबाइल कंप्यूटिंग में काफी पीछे है, मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर, मोबाइल कंप्यूटिंग में, यहां पे सिंपली लिख देता हूं, मोबाइल कंप्यूटिंग इज Not very good, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं। यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन इसमें बनते तो हैं लेकिन ये इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि मोबाइल आपको पता है एंड्रॉयड अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा यूज़ होता है और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ही उसमें ज़्यादा यूज़ होती है, या जावा की मदद से भी हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन पाइथन अभी भी मोबाइल कंप्यूटिंग में इतनी अच्छी नहीं है, इसमें बनते हैं लेकिन उतना अप टू द मार्क नहीं है। तीसरा यहाँ पे क्या है, ये आपका स्लो प्रोसेस करती है। अब स्लो क्यों करती है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंपली आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें लाइन बाय लाइन काम होगा, एक ही बार में नहीं होगा, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आपका कंपाइलिंग लैंग्वेज के मुकाबले थोड़ा सा स्लो काम करती है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब अगर बात करें इसका स्कोप क्या क्या है, यानी कि इसको हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन इस लैंग्वेज के कहाँ कहाँ हैं, तो अगर हम देखें एप्लीकेशन इसके, एप्लीकेशन यानी कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसे आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इससे बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जो एप्लीकेशन चलता है सिंपल सा, आप कैलकुलेटर बनाए, कैलेंडर बनाए, जो भी आपके डेस्कटॉप पे चलने के लिए कोई एप्लीकेशन है वो आप इसमें बना सकते हैं, और दोनों ही आप बना सकते हैं, दोनों यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यहाँ पे कंसोल जो है या कमांड लाइन, दोनों ही आप बना सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कैलकुलेटर है, आप क्लिक इवेंट पे काम करते हो, या कंसोल है आपका जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है, तो दोनों ही तरीके के सॉफ्टवेयर इसमें बनाए जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, वेब डेवलपमेंट, अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपका पाइथन यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशन इसके अंदर बनते हैं, वेब एप्लीकेशन जैसे आपका व्हाट्सएप है एप्लीकेशन है लेकिन इंटरनेट से चलता है या वेब से चलता है, तो वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन इसके अंदर बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें बिग डेटा में यूज़ होता है, बिग डेटा या सिंपली डेटाबेसेस में ये सिंपली यूज़ होता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसके अंदर बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका हम 1, 2, 3, 4, 5 AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूज़ किया जाता है, मेनली आपका फेस रिकॉग्निशन हो या सिंपली आपका सेंसर जो आपके AI में यूज़ होते हैं, उन सभी में आपका पाइथन यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोबोटिक्स की,
रोबोटिक्स में है या इसका जो काम है ऑटोमेशन में है, क्योंकि रोबोटिक्स में ऑटोमेशन आपका ज़्यादा होता है, तो इनमें भी आपका काम होगा मेनली आपका रोबोटिक्स के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, डेटा माइनिंग के अंदर, डेटाबेसिस के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, ये सभी हैं। या मैं बोलूँ गेम डेवलपमेंट जो है, क्योंकि आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है डेवलपमेंट, तो अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो भी आपको पाइथन सीखनी चाहिए। एआई में आपका इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में है, या बिग डेटा में है, वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन, या स्मार्ट जो आपके डिवाइसेज हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं या कुछ और हैं, तो उन सभी में आपका सिंपली यूज़ होता है। तो ये कुछ फीचर, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे पाइथन यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें दुनिया के जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, वो उनमें से कौन कौन से जाइंट्स हैं जो आपका यूज़ करते हैं पाइथन को, तो शायद आपको जान के हैरानी होगी। जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक जाइंट है जिसको हम बोलते हैं गूगल, ये अपने जो सर्च फीचर हैं, अपने सर्च फीचर को और इन्हेंस करने के लिए, उसको और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पाइथन का यूज़ करता है। वैसे ही आपका यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक जो आपका है, और इसी का जो चाइल्ड ब्रांड है इंस्टाग्राम, तो इंस्टा में भी आपका कोडिंग जो होती है वो आपका सिंपली पाइथन से होती है। इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब में भी काफ़ी ज़्यादा आपका पाइथन को यूज़ किया जाता है यूट्यूब के अंदर भी। वैसे अगर हम बात करें नासा के अंदर, कैलकुलेशंस के लिए आपके जो साइंटिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं ड्रॉप बॉक्स में इसको यूज़ किया जाता है, बिट टोरेंट में इसको यूज़ किया जाता है, या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, उसकी जो कोडिंग है वो पाइथन में लिखी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा जो टैग जाइंट्स हैं, मैंने मैक्सिमम जो बड़े बड़े टैग जाइंट्स हैं सभी के यहाँ पे ऑलमोस्ट नाम लिख दिए हैं, तो मैक्सिमम जगह आपका पाइथन को यूज़ किया जाता है। तो ये टैग जाइंट्स हैं जो इसको सिंपली यूज़ करती है। काफ़ी सारे गेम भी इसमें आपके डेवलप हुए हैं, जैसे अगर आपने बैटलफील्ड, अगर आपको पता होगा, अगर आप गेम खेलते हैं तो बैटलफील्ड इसके अंदर बनाया गया है, या वर्ल्ड ऑफ टैंक्स इसके अंदर बनाया गया है, या सिंपली फ्रीडम फोर्स ही शायद है, ये गेम है, ये आपका पाइथन में लिखा गया है। तो गेम डेवलपमेंट के अंदर भी इसका स्कोप है, रोबोटिक्स में है, एआई में है, तो इतना स्कोप शायद इतने रीजंस काफ़ी हैं कि क्यों हमको पाइथन सीखनी चाहिए। अब अगर बात करें पाइथन हमको मिलेगी कहाँ, हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं python.org से, या इसके जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है, या बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो ये वीडियो सीरीज़ है इसमें हम python.org से जो इसका ऑफिशियल है वहीं से हम इसको डाउनलोड करके पूरी प्रोग्रामिंग इसमें सीखने वाले हैं। अब python.org में आप जाएँ, अपने URL में इसको टाइप करें, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग वर्जन्स में, तो आप इसमें अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो तीसरा चल रहा है, तो python 3 आप वहाँ से डाउनलोड करें। और इसको डाउनलोड करने के बाद, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं, आप सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद आप इसको दो मोड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका इसमें होता है इंटरैक्टिव मोड एंड सिंपली आपका स्क्रिप्ट मोड। अब आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इंटरैक्टिव मोड जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ रहेगा पाइथन एंड इसका वर्जन जो भी आपका है 3.something ऐसा आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 आप वहाँ पे करें, लेटेस्ट आप यूज़ करें, तो वहाँ पे लिखा होगा पाइथन IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंटरैक्टिव मोड। सॉरी, ये आपका इंटरैक्टिव मोड है, और इंटरेक्टिव मोड हो या स्क्रिप्ट मोड हो, आपका अगर स्क्रिप्ट मोड में इसको यूज़ करना है, इंटरेक्टिव मोड तो आपका इससे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कमांड लाइन मोड भी होता है जिसमें आपकी पूरी ब्लैक स्क्रीन आती है, आप पहचानेंगे कैसे कमांड लाइन है, ब्लैक स्क्रीन होगी और इस तरीके से वहाँ पे आपके सिंबल आएंगे। और इंटरेक्टिव मोड में भी आपको स्टार्टिंग में यही सिंबल मिलेंगे, और इनका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको आपका इंटरप्रेटर की तरह भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कमांड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 × 2, आप इंटर मारते हैं तो इमीडिएटली आपको वहीं पर उसका आंसर मिलता है। या आप वहाँ पे कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स में हेलो, और आप इंटर मारते हैं तो तुरंत आपको हेलो मिलेगा। और ये दोनों ही काम आपके होते हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड आपके जो कमांड लाइन मोड है, तो दोनों में ही आपको ये मिलेगा। अब अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में इसको ओपन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इंटरेक्टिव मोड ओपन करें। इंटरेक्टिव मोड ओपन करने के बाद आप सिंपली, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर अलग अलग टैब आपको मिलेंगे, और टैब में वहाँ पे शायद आपका लिखा होगा फाइल का आपको ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, एडिट का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, रन का आपको ऑप्शन मिलेगा, डीबग का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा,
और ऑप्शंस का भी ऑप्शन वहां पे आपको मिलता है, हेल्प का आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आप फाइल में क्लिक करें, फाइल में क्लिक करने के बाद आप न्यू फाइल में क्लिक करें और आपको वहां पे एक अनटाइटल्ड नाम से, क्योंकि उसका टाइटल नहीं होगा, आपको एक नोटपैड का जैसा वहां पे एक आपको नोटपैड वहां पे मिलता है सिंपली, और सिंपली आप उसमें अपना कोड लिखें और उसे सेव करें .py से उसे सेव करें, देन आप उसे ओपन करें, ओपन आप उसको करते हैं तो सीधा आपका वो खुलता है। या तो आप F5 प्रेस करें या तो सीधा आप यहीं पे फिर रन में आप उसको क्लिक करके रन कर सकते हैं। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, फाइल में जाइए, न्यू फाइल में जाइए, अपना पूरा कोड वहां पे एक साथ लिखें जो कि आपका इंटरेक्टिव मोड नहीं है, अब स्क्रिप्ट मोड है, एंड पूरा करने के बाद आप फाइल नेम लिखें, फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन इसका होता है .py यानी कि पाइथन, एंड देन आप उसको ओपन करें, देन आप इसमें कोडिंग आप कर सकते हैं सिंपल इंटरेक्टिव मोड में, आप वहां पे कोडिंग करेंगे, F5 आप प्रेस करें तो सिंपली आपको आउटपुट वहां पे मिलता है, सिंपली आप रन की से भी यहां पे इसको रन कर सकते हैं। तो ये तो था वीडियो आपका पाइथन के लिए, और इसी के साथ आपकी जो वीडियो है ये भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 22। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 23, जहाँ पे हम देखेंगे हमारा अगला चैप्टर एंड वहाँ पे हम शुरू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को, वीडियो नंबर 23।